कोरबा में आगामी होली पर्व के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ शहर में कार्रवाई तेज कर दी है। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रिपल सवारी, सिग्नल जंप, रॉन्ग साइड चलने वाले 60 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर इन दिनों ट्रैफिक पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात को अनुशासित व व्यवस्थित करने मुहिम चला रही है। इसी क्रम में यातायात थाना प्रभारी पौरुषपुरे और सूबेदार भुवनेश्वर की टीम ने कार्रवाई की। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि 60 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर ओवर स्पीड पर 30 कार और ट्रक ट्रेलर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में विगत एक दो दिनों से यातायात स्टाफ द्वारा ट्रिपल सवारी, नाबालिग बच्चों पे वाहन चलाने की कार्रवाई की जा रही है और अभी तो प्राथमिक तौर पे लोगों को समझाई दे रही है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दे जिससे कोई भी घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो रॉन्ग साइड चलने वाले हैं और जो स्पीड बाइक है और बाइक में स्टंट करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।